गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम सभी जानते हैं कि सीए के इंटरमीडिएट स्टेज पे अगर कोई पेपर सबसे ज्यादा परेशान करता हो पास करने के लिए तो वो ऑडिट है और ईआईएसएस है। जो लोग भी इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन से ले रखे हैं वो सारे लोग इस बात से अवेयर हैं कि ऑडिटिंग और ईआईएसएस का जो सब्जेक्ट है इसमें मार्क्स उठता ही नहीं। बेसिकली रीजन क्या है, क्या रीजन है कि ये दो पेपर का मार्क्स सही से नहीं उठता है, ठीक से मार्क्स हम लोग ला नहीं पाते। हम लोग ऑडिटिंग की बात को छोड़ देते हैं, ईआईएसएसएम पेपर की बात करते हैं जो मेरा सब्जेक्ट है जिसको मैं 2004 से पढ़ा रहा हूं। ईआईएसएसएम में मैंने देखा है बेसिकली जहां पे स्टूडेंट का वीक पॉइंट, लोगों का यह धारणा है कि ये जस्ट एक थ्योरी पेपर है, हम लोग ये केन प्रकार रट्टा मार करके निकल, लेकिन दिक्कत ये है ना कि इसमें टेक्निकल वर्ड्स है, टेक्निकल कंसेप्ट है, अगर आपको वो टेक्निकल टर्म कंडीशन क्रिस्टल क्लियर नहीं होगा तो आपका मार्क्स नहीं होगा, मार्क्स कटेगा। दूसरी बात, एग्जामिनेशन में हमको ये देखना पड़ता है कि इंस्टीट्यूट पूछ क्या रहा है, आपसे क्या पूछ रहा है और आप उसका आंसर में क्या रिप्लाई दे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात। इंस्टीट्यूट आपसे ईआईएस में इंस्टीट्यूट आपसे जो पूछ रहा है, जो सवाल कर रहा है, आपको उसका आंसर उतना ही पारा करना, ना उससे कम और ना एक्सेस लेंगे। अगर हम जरूरत से ज्यादा किसी टॉपिक को डिफाइन कर तो भी मार्क्स कटेगा। जितना पूछा जा रहा है, जितना बोला जा रहा है, आपको उतना ही आंसर सप्लाई करना, आंसर लिखना। ये बेसिक बातें कि क्या होना चाहिए एग्जामिनेशन में, क्या नहीं होना चाहिए, हमको कौन सी बातें डिस्कस करनी चाहिए, कौन सी बातें लिखनी चाहिए और किन किन बातों को छिपा जाना चाहिए या नहीं लिखना चाहिए, ये सारा डिस्कशन लोग फर्दर आगे करते रहेंगे। आज के वीडियो में मैं ईआईएस से कुछ इंपोर्टेंट टॉपिक्स को चुन करके रखा है जिसको डिस्कस करने जाना। हम लोग बेसिक टर्म को समझने की कोशिश करते हैं, प्रैक्टिकल कंसेप्ट से समझने की कोशिश करते हैं। एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम एक टॉपिक है, एक छोटा सा टॉपिक है जिसको हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं। कम्युनिकेशन हम लोग मैनुअली भी, हम लोग जो बात करते हैं वो भी मेरा कम्युनिकेशन का एक मीडियम, कम्युनिकेशन का एक एग्जाम्पल हो सकता है। जैसे हम बोल रहे हैं और आप सुन रहे हैं, मेरी बातों को सुन रहे हैं। अगर हम इसी का एग्जाम्पल लेंगे तो हम दोनों के बीच में कम्युनिकेशन को परफॉर्म होने के लिए तीन कंपोनेंट का होना चाहिए। पहला सेंडर डिवाइस, क्योंकि यहाँ फिगर में दिख रहा है, जिसे हम बोलने वाले कि कोई तो बोलने वाला होना चाहिए। अगर एक बोलने वाला सेंडर डिवाइस है तो दूसरा सुनने वाला भी होना चाहिए, रिसीवर डिवाइस, रिसीव करने वाला भी। सेंडर भी है, रिसीवर भी है, तो थर्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है कम्युनिकेशन में वो है कम्युनिकेशन चैनल। कम्युनिकेशन चैनल क्या है? कम्युनिकेशन चैनल वो मीडियम है जो आपके डेटा को वन एंड टू अनदर एंड ट्रांसमिशन करने का काम करता है। कम्युनिकेशन चैनल वो साधन है जो मेरी बातों को आप तक और आपकी बातों को मेरे तक पहुंचाने का काम करता है। तो वो मीडियम जो मेरे और आपके बीच में डेटा ट्रांसमिशन का काम करता है, वॉइस ट्रांसमिशन का काम करता है, वो मीडियम वही हम लोग कम्युनिकेशन चैनल है। फर्दर डिस्कस करेंगे कि कम्युनिकेशन चैनल कितना टाइप का होता है, अभी मोटे मोटे तौर पे हम देख ले तो कम्युनिकेशन परफॉर्म करने के लिए मेरे पास तीन कंपोनेंट, सेंडर, रिसीवर और कम्युनिकेशन चैनल। सेंडर वो डिवाइस होगा जो डेटा को सेंड करने का काम करता है,
रिसीवर वो डिवाइस होगा जो डेटा को रिसीव करने का काम करता है, और इन दोनों के बीच में डेटा ट्रांसमिशन के एक्चुअल वर्क को परफॉर्म करने वाला डिवाइस मीडियम साधन कम्युनिकेशन कहलाता है। ये कम्युनिकेशन, चलिए समझने की कोशिश करते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क, नेटवर्किंग क्या है समझने की कोशिश करते हैं। हम लोग देखते हैं, जैसे साइबर कैफे में जाइएगा तो भी आपको दिखाई दे देगा कि बहुत सारा सिस्टम एक दूसरे के साथ में इंटरकनेक्टेड होता है। क्यों? इंडिविजुअल सिस्टम भी तो अपना परफॉर्म करता है, फिर बहुत सारा सिस्टम एक दूसरे से कनेक्टेड क्यों लगता है? हम कंप्यूटर नेटवर्क के कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। अगर मेरे पास संसाधन लिमिटेड हो, रिसोर्सेज लिमिटेड हो, मान लो कि प्रिंटर, मान लीजिए कि प्रिंटर मेरे पास एक ही है और सिस्टम मेरे पास 8 या 10 है, और अगर ऐसा सिचुएशन मेरे सामने है तो फिर या तो आप हर सिस्टम, इंडिविजुअल सिस्टम के लिए हर सिस्टम के साथ में एक अलग प्रिंटर रखिए, 8-10 प्रिंटर लेना पड़ेगा, या पेन ड्राइव आप रखिए कि किसी एक सिस्टम में काम किया मैंने, उसके बाद उस डेटा को आप पेन ड्राइव में ले ले, कॉपी करके ले ले, देन जिस सिस्टम के साथ में प्रिंटर कनेक्टेड है उस डिवाइस में ले जा करके पेन ड्राइव को कनेक्ट किए, देन आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। या फिर दूसरा मीडियम जो सबसे आसान है कि ये 10 सिस्टम को आपस में एक दूसरे के साथ में कनेक्ट कर देते हैं, इंटरकनेक्ट कर देते हैं, और अगर ये सारा सिस्टम एक दूसरे के साथ में इंटरकनेक्ट हो जाएगा, देन ये हर सिस्टम एक दूसरे सिस्टम के रिसोर्स को शेयर कर सके। तो अगर हम चाहते हैं, जैसे कुछ रिसोर्स किसी और सिस्टम के पास में है, मेरे सिस्टम में नहीं है, मेरे सिस्टम में जो रिसोर्स है वो किसी और के पास में नहीं है, किसी और के सिस्टम के का जो रिसोर्सेस है वो बाकी के पास में नहीं है, हम क्या करेंगे कि सारे सिस्टम को नेटवर्क में एक दूसरे के साथ में इंटरकनेक्ट कर दे अगर, तो ये सारा रिसोर्सेस को हर टर्मिनल एक दूसरे के साथ में शेयर कर सके। ये कंप्यूटर नेटवर्क सिंपल टर्म। अगर इसी को बुकिश लैंग्वेज में या टेक्निकल टर्म में बोलेंगे तो बोलेंगे इट इज एन इंटरकनेक्शन ऑफ टू और मोर कंप्यूटर सिस्टम। क्या है ये? इट इज एन इंटरकनेक्शन ऑफ टू और मोर कंप्यूटर सिस्टम। किस लिए, क्यों इंटरकनेक्टेड है? फॉर शेयरिंग देयर डेटा, रिसोर्सेस, फाइल्स एटसेट्रा। अपने रिसोर्स को, अपने डेटाबेस को, अपने फाइल्स को शेयर करने के लिए आपस में 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर सिस्टम के इंटरकनेक्शन को ही कंप्यूटर नेटवर्क के कहते हैं या नेटवर्क के कहते हैं। सिंपल टर्म था। मैंने अभी आपको डिस्कस किया कि कम्युनिकेशन क्या है, फिर डिस्कस किया कि कंप्यूटर नेटवर्क सिंपल टर्म मैंने आगे फर्दर हम लोग देखेंगे कि जब नेटवर्क में या जब सिस्टम में कनेक्ट हो जाता है देन डेटा का ट्रांसमिशन किस मीडियम पर, ट्रांसमिशन मोड क्या है। चलिए हम लोग देखते हैं ट्रांसमिशन मोड क्या है। ट्रांसमिशन मोड डुप्लेक्स ट्रांसमिशन। अब आते हैं सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड क्या है। चलिए हम ग्राफ के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। C
सिंप्लेक्स डेटा ट्रांसमिशन मोड में सेंडर और रिसीवर डिवाइस के बीच में सिंगल कम्युनिकेशन चैनल होता है, एक ही कम्युनिकेशन लाइन स्टेबलिस्ट होगा सेंडर और रिसीवर के साथ, और इस कम्युनिकेशन चैनल का यूज आइदर डेटा को सेंड करने के लिए होगा या रिसीव करने के लिए होगा। अगर हम इस कम्युनिकेशन चैनल का यूज डेटा को सेंड करने के लिए कर रहे हैं तो इस कम्युनिकेशन चैनल से डेटा का रिसीविंग कभी नहीं, कभी नहीं। और अगर इस कम्युनिकेशन चैनल का यूज डेटा को रिसीव करने के लिए किया जा रहा है तो सेंड नहीं कर सकेंगे, कभी भी सेंड नहीं कर सकेंगे। वन वे ट्रैफिक है, अगर ये जाएगा तो केवल जाएगा, आएगा नहीं, और अगर ये आएगा तो केवल आएगा, जाएगा नहीं। इस तरीके का वन वे ट्रैफिक का कंसेप्ट को अगर हम ध्यान में रखेंगे तो ये सिंप्लेक्स डेटा ट्रांसमिशन मोड के लिए। Again. Duplex data transmission modes में sender और receiver के बीच में दो communication channel established होगा। पहला कम्युनिकेशन चैनल डेटा को सेंड करने के लिए होगा और दूसरा कम्युनिकेशन चैनल से डेटा रिसीव किया जाएगा। मतलब डुप्लेक्स डेटा ट्रांसमिशन में डेटा का ट्रांसमिशन मतलब डेटा का सेंडिंग और रिसीविंग दोनों साइमल्टेनियसली किया जा सकेगा, एक ही समय में किया जा सकेगा। फिर से रिपीट कर, सिंप्लेक्स डेटा ट्रांसमिशन मोड में सेंडर और रिसीवर के बीच सिंगल कम्युनिकेशन चैनल होगा। इस सिंगल कम्युनिकेशन चैनल का यूज या तो डेटा को सेंड करने के लिए किया जाएगा या इस कम्युनिकेशन चैनल से डेटा रिसीव होगा। अगर इस कम्युनिकेशन मीडियम से इस कम्युनिकेशन चैनल से डेटा सेंड किया जा रहा है तो इसे रिसीव कभी नहीं कर पाएंगे, और अगर इस मीडियम का यूज डेटा रिसीव करने के लिए किया जा रहा हो तो हम सेंड नहीं कर पाएंगे। ये वन वे ट्रैफिक होता सिंप्लेक्स डेटा ट्रांसमिशन। वहीं पे हम अगर ध्यान से देखें डुप्लेक्स मीडियम के बारे में, डुप्लेक्स डेटा ट्रांसमिशन मीडियम के बारे में, तो सेंडर और रिसीवर के बीच में दो कम्युनिकेशन चैनल होता है, एक का यूज डेटा को सेंड करने के लिए करेंगे और दूसरे चैनल का यूज डेटा को रिसीव करने के लिए करेंगे। मतलब इस मीडियम में डेटा का सेंडिंग और रिसीविंग दोनों ही हो सकेगा और दोनों साइमल्टेनियसली हो सकेगा, एक ही समय में हम डेटा को सेंड भी कर सकेंगे और डेटा को रिसीव भी कर सकेंगे। यह आपका ट्रांसमिशन मोड से। अगर आपको कोई इसके बाद भी कोई डाउट्स हो तो आप कॉन्टैक्ट नंबर नीचे डिस्प्ले कर रहा होगा, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं।